प्रश्न संख्या 76, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क कोशिका भित्ति, ख माइटोकॉन्ड्रिया, ग राइबोसोम, घ न्यूक्लियस। आंसर होगा ख माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 77, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? क लाल रक्त कोशिका, ख यकृत कोशिका, ग मांसपेशी कोशिका, घ श्वेत रक्त कोशिका। आंसर होगा क लाल रक्त कोशिका, RBC। प्रश्न संख्या 78, DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? क गैर एल्ब्यूमिन, ख हिस्टोन, ग गैर हिस्टोन, घ एल्ब्यूमिन। आंसर होगा ख हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है जो DNA को बांध के रखता है। प्रश्न संख्या 79, DNA के एक स्ट्रैंड जिसको तंतुगच्छ कहते हैं से RNA में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क स्थानांतरण, ख अनुलेखन, ग प्रतिकृतियन, घ उत्परिवर्तन। आंसर होगा ख अनुलेखन। प्रश्न संख्या 80, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर होगा घ DNA। प्रश्न संख्या 81, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? क X0, ख XXX, ग XX, घ XY। आंसर होगा घ XY क्रोमोसोम। प्रश्न संख्या 82, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक अर्थात लड़का का जन्म होगा? क पुरुष का X व स्त्री का X, ख पुरुष का X व स्त्री का Y, ग पुरुष का Y व स्त्री का X, घ पुरुष का Y व स्त्री का Y। आंसर होगा ग पुरुष का Y और स्त्री का X क्रोमोसोम। प्रश्न संख्या 83, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का प्रयोग किया जाता है? क केवल समसूत्रण, ख केवल अर्धसूत्री विभाजन, ग माइटोसिस और मियोसिस दोनों, घ न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। आंसर होगा क केवल समसूत्रण, माइटोसिस सेल डिवीजन। प्रश्न संख्या 84, विषाणुओं में होता है क केवल DNA, ख केवल RNA, ग केवल माइटोकॉन्ड्रिया, घ या तो RNA या DNA। आंसर होगा घ या तो RNA या DNA, यानी विषाणु में या तो RNA होगा या केवल DNA, दोनों में से कोई एक हो सकता है। प्रश्न संख्या 85, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है क रिट्रोवायरस, ख प्रतिरक्षा विषाणु, ग अर्बोवायरस, घ लेंटेवायरस। आंसर होगा क रिट्रोवायरस। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।